जो ये कहता है कि हम शाहरुख खान की मूवी को फ्लॉप कर देंगे, उसके मुंह पे तमाचा पड़ा। जब आप आमिर खान की मूवी देखते हैं, मुंह में अलवा ठूस जाता है। वो तो दोगला है, उसका तो 14 को शादी कर ले, 50 को शादी कर ले, उसको कोई कुछने वाला नहीं है। उमरियो जाएगा तो कोई देखने वाला नहीं। टपा डप मालूम ना, अक्षय कुमार की एक मूवी थी, अक्षय कुमार की मूवी थी और उसमें राम लिखा हुआ था, सॉरी भूल भुलैया। और उसमें उसने बैक डांसर जो थी ना, वो उसमें उसने जो कपड़े पहने थे, उसमें शॉर्ट कपड़े पहने थे, उसमें राम नाम लिखा हुआ था। सही पकड़े हैं। जो सच में सनातनी है, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। कि और कहा कि नाक कटा लेंगे, मुंह कटा लेंगे, मुंह में तकालिक थोप देना, और ये जो है तुर 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 वाला, और क्या हुआ बाद में, अपने मुंह पे थूक फेंकवा गया। आप उसको मनोरंजन है, मनोरंजन का साधन बनाइए, देखिए, नहीं देखना है बंद कर दीजिए। कुछ लोग आए व्यू आप सब्सक्राइब पाने के चक्कर में, उन्होंने भगवा रंग को चुना। अगर वो कलाकार नहीं होता तो उसकी बेटी कच्ची बड़ा नहीं पहनती। शाहरुख खान का क्या बिगड़ता, जो फिल्म फाइनेंसर है वो बर्बाद हो। वो पुरानी पिक्चर में देखिए, अधिकतर लड़कियों के साथ अश्लीलता होती थी, और चार चार गुंडे लड़की के साथ वो काम करते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। क्योंकि हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो धर्म निरपेक्ष है। राम के नाम का अपमान किया, आप उस समय आवाज नहीं उठाते हैं। उन्होंने साबित किया कि 57 के साल के उम्र में, 57 साल के उम्र में भी आज नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। मुद्दे की बात में आज चर्चा करेंगे फिल्म पठान को लेकर। फिल्म पठान जो थी वो काफी ज्यादा विवादों से घिरी हुई थी, और तमाम विवादों के बावजूद भी फिल्म पठान ने अच्छा कलेक्शन किया, अच्छा प्रदर्शन जो है वो पठान का रहा है, और साथ ही पठान जो है अब 729 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। तो इस पर हमारे कुछ सहयोगी जो हैं वो भी विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा लगातार इस फिल्म का सपोर्ट कर रही थी, और इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी। तो अब 729 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने कर ली है, तो उस पर चर्चा करना और भी जरूरी हो जाता है। तो हमारे साथ आज चर्चा में रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा है, साथ ही हमारे सहयोगी धीरज पराशर है, और BTTWA के अध्यक्ष हमारे साथ पंकज कुमार मौजूद हैं। तो इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बबीता मैम, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि 729 करोड़ रुपए की कमाई पठान कर चुकी है और लगातार आप सपोर्ट करती नजर आ रही थी, क्या कहेंगी? पहले तो मैं देसवा के जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जो हमें भर भर के मीठा मीठा गाली दे रहे थे, मैं उनको मिठाई खिलाना चाहती हूँ, यहाँ से खा लो, क्योंकि शाहरुख खान जीजा जी हैं, और उन्होंने ये साबित किया कि वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। वो 4 साल के बाद आए और बम मारे, और बम से वो फूल बरसा और शाहरुख खान की मूवी हिट हो गई। और जितने भी जो हिंदूवादी सोच, छोटी सी सोच, जो छोटे से लोग हैं, धर्म निरपेक्ष देश में रहते हैं और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कलाकार के ऊपर आप उंगली करें। कलाकार का मतलब होता है मनोरंजन का साधन। आप उसको जात पात से तोड़ना चाहते हैं। क्यों तोड़ना चाहते हैं? भाई शाहरुख खान के साथ साथ, जब शाहरुख खान की मैं बात करती हूँ, तो भाई शाहरुख खान ने गौरी दीदी, मैं कहूँगी गौरी दीदी हो या आंटी हो, कोई भी हो, लेकिन वो दीदी है, तो गौरी दीदी क्या थी? हिंदू थी। चलिए मैं ये भी बात करती हूँ कि कितने मुसलमान एक्ट्रेस, कितनी मुसलमान हीरोइन जो है वो हिंदू हीरो से शादी की, तो वो भी तो हमारे क्या हुए? अगर मेरी बहन हुई ना मुस्लिम लड़की, आप अगर उसको अपने घर में लाते हैं, आप मनोरंजन के साधन को घर में घुसाते हैं, तो इस हिसाब से तो भाई कलाकार का कोई जात नहीं होता, तो घर में घुसा लीजिए। और जो ये मूवी हिट हुई, ये उन जो छोटे से तबकों में अपने आप को
हैं जिनका मुंह काला हो गया वो कहते थे कि शाहरुख खान रोड पे आ जाएगा, भीख मांगेगा। आप शाहरुख खान के वजह से जाने गए, आपको शाहरुख खान ने शोहरत दिलाई, आपकी कोई औकात नहीं है। रोड पे उनके घर के सामने तमाशा करते हैं कि भाई शाहरुख खान के मुंह भी फ्लॉप हो जाएगा, जो अपने आप को हिंदुत्व का नारा देते हैं कुछ ही लोग, लेकिन हिंदुत्व तो बहुत है, हिंदू तो मैं भी हूं। आप कलाकार को जात पात में ले लेते हैं, तो आप अपनी बेटा बेटी को क्या कच्ची बड़ा पहनाइएगा। अच्छा, हमारे कुछ सहयोगी मैम वो भी विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, जरा उनकी भी राय जान लें, क्योंकि 729 करोड़ का कलेक्शन अब तक फिल्म का हो चुका है। आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा कि आप लोग भी विरोध करते नजर आ रहे थे, अच्छा प्रदर्शन है फिल्म का। विरोध तो मैंने किया था जी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि सनातन के ठेकेदार मुझे हरा देंगे इस युद्ध में। मैंने खुद जाके रिव्यू किया है हर चौक चौराहा पे जहाँ सिनेमा हॉल है, और मैं बहुत सभ्यता के साथ ये देख, मतलब जो मेरे नजरों के सामने हुआ, जो मैं देख रहा हूँ, वो आंकड़ा 729 करोड़ झूठा हो सकता है, लेकिन जो भीड़ मैंने देखा वो झूठा नहीं हो सकता है। अच्छा, ये एक बात बताइए, नहीं आप एक बात बताइए, मैंने तो आमिर खान को दोगला कहा तो किसी ने तो आवाज नहीं उठाई, शाहरुख खान का विरोध आप क्यों कर रहे थे? अरे शाहरुख खान का विरोध नहीं कर रहे हैं, हाँ? आपने कहा कि जीजा, हाँ? अरे आपका जीजा हो सकता है? अरे नहीं, सबका जीजा कैसे आपका ठेका लिया हुआ है? जब आप कहते हैं कि सबका जीजा जी नहीं हो सकता, गौरी हिंदू है या नहीं हो सकता, आराम से बात करिए, आप लोग आराम से बात करिए। नहीं नहीं, आराम से क्या बात है, नहीं जबरदस्ती की जीजा, आप जीजा अपना मान ले चाहे दुनिया मान ले, हम तो खड़ा नहीं है, आराम से बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप अपने तथ्यों पे आइएगा। जीजा जी, जब आपने फुल्ली सपोर्ट कर दी, आपने कुछ मनुवादी सोच कहिए, मनुवादी फिर मनुवादी, हम ही कहने हैं कहे कि जो इस्लाम के ठेकेदार हैं उनके पास क्यों नहीं इल्जाम लगाते हैं? आप में साहस नहीं है नहीं, क्या आप इस्लाम के ठेकेदारों को अच्छा लगाते हैं? इस तो फिल्म में इस्लाम और हिंदू और मनुवादी कहां से आ गया? मैं हिंदू, मैं मनुवादी कहां से आ गया? स्टूडियो है, आराम से मेरी बात को गौर से सुनिए। मैं पंकज जी की बातों से सहमत हूं, हम नहीं सहमत नहीं, आप मेरी बात, मैं समझाना चाहूंगी। लेकिन सनातन टारगेट पे खुद जाता है, पूछिए क्यों? जब आपको मूवी नहीं देखनी है तो आपकी चुप्पी भी एक कारण हो सकती है किसी मूवी को फ्लॉप करने में। एक मिनट मेरी बात को ध्यान दीजिए कि ये रंग है भगवा, ये रंग है ग्रीन, तो ये मुस्लिम का, ये कहां से आ गया? आपको नहीं देखना, चूंकि देखिए एक बात मैं बता दूं कि मुस्लिम धर्म में भी पर्दा होता है, अगर वो कलाकार नहीं होता तो उसकी बेटी कच्ची बरा नहीं पहनती। एक मिनट, दूसरी बात कि मुस्लिम धर्म में पर्दा होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब तक कुंवारी लड़की का नाक में बेसर तब चढ़ता है जब उसकी निकाह होती है। आपने कभी देखा है कि वो लोग अपने धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं? नहीं करते, लेकिन हम हिंदू अपने धर्म के लिए, मतलब एक हीरो जो समाज का कोई आईना नहीं है। आपने कहा कि इस्लाम में कभी भी इस्लामिक लोग अपने धर्म का खिलवाड़ नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, और आप जैसे लोग हिंदू हो करके भी हिंदू धर्म का खिलवाड़ कर रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं? खुद आपने कर रहे हैं, ऐसे लोग जयचंद के श्रेणी में आता है। मैं बता देती हूँ, जयचंद की श्रेणी में आप जबरदस्ती ला रहे हैं, जबरदस्ती का आपने प्रमाण दे दिया। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, इनके पास लॉजिक नहीं है जी। पंकज जी मेरी बात को गौर से सुनिए, हम एक ही चीज जानते हैं कि अगर मौन में ताकत होती है दक्षा जी, अगर आप मौन होते, आपको पिक्चर नहीं देखनी होती, तो आप रंग को हमारे सनातनी ने लाया, कुछ सनातनी जो अपने आप को सनातनी कहते हैं पर वो सनातनी का पालन नहीं करते। बिल्कुल, आप जाइएगा, सनातनी का मतलब समझिए कि पूजा करना, एक सवाल, लोगों के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करना। अगर आप सच में हिंदू हैं, तो अगर आप धर्म निरपेक्ष राज्य में रहते, धर्म निरपेक्ष देश में रहते, सबको आजादी है अपनी बात कहने की, लेकिन जब आप कलाकारों पर उंगली उठाते हैं, अरे मान लेते हैं कि शाहरुख खान की मूवी थी, वो उसमें कुछ सीन खराब होगा, लेकिन उसमें कुछ पैसे हिंदू के भी लगे होंगे, कुछ ऐसे हिंदू भी अपने घर का रोजी रोटी लगा के उस पिक्चर को बनाया होगा, और हम लोग कुछ, जैसे कि किसी ने कहा कि मेरा नाक कटा लेना फलना हो जाएगा, फलाप हो
हो जाएगा। किस पे आपने कटाक्ष किया मैम? शाहरुख खान का क्या बिगड़ता, जो फिल्म फाइनेंसर है वो बर्बाद होते। पंकज जी, जिस चीज को लेकर विरोध हो रहा था, जिस चीज को लेकर विवाद चल रहा था, कपड़ों को लेकर क्यों विवाद चल रहा था? विवाद हाँ। की बात आप कर रहे हैं, कपड़ा तो किसी रंग का भी हो सकता है। अभी जैसे आपने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है, तो ऐसा तो नहीं कि आप मुस्लिम हो गए। देखिए, कपड़ों की विवाद ठीक है, कपड़ों की विवाद भगवा एक हिंदू धर्म का जी एक प्रतीक माना जाता है। हम जहां पर वो पहना गया था, जिस प्रकार से अंग प्रदर्शन करके वहां दिखाया गया था, वो भगवा भारतीय जी। पंकज जी, आपका उम्र क्या है? मेरा उम्र होगा 45-46 के पास पास में। आज से 50 साल, 30 साल, 35 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल पहले तक जब मूवी बन रहा था कि चंबल का लुटेरा टीका करके, उसमें आपका हिंदू तो कहां चला गया था? क्यों, चंबल का जो लुटेरा या डकैतों का हुआ करता था, उसमें जब क्या आखिरी सौगंध हाँ टीका लगाया हुआ डकैत हाँ हिंदू था। डकैत जो होता था वो अब टीका लगा करके, या डकैत का जो भी अभी भी जो डकैत वास्तविक में भी है या फिल्म में है, माँ भवानी का वो पूजा करते थे और बहु बेटी की इज्जत भी लुटा करते थे। जरा सा सुन लीजिए, बहु डकैत का मतलब क्या होता है कि बहु बेटियों की इज्जत पे हमला होता है। पहले की मूवी उठा के देख लीजिए, ज्यादातर आपको वो सीन दिख जाएगा। आपको बस इतना नजर आता है कि फिल्म में बहु बेटियों की इज्जत लूटा जाता है हिंदुत्व में, आपका कहना यही ना? आपने नहीं देखा? हाँ ठीक है, या नहीं है? हाँ या ना? क्या देखे फिल्म में? वो पुराने पिक्चर में देखिए, अधिकतर लड़कियों के साथ अश्लीलता होती थी नहीं। और चार चार गुंडे लड़की के नहीं, नहीं, साथ वो काम नहीं, करते नहीं, थे फिल्म में। अच्छा, एक चीज मेरे जवाब फिल्म के ऊपर आते हैं तब से आया जब से दाऊद एंड कंपनी हावी हुआ। पंकज जी, इस फिल्म में जहां तक अंदरूनी सूत्रों से पता चला है, संपूर्ण पैसा डी कंपनी का लगा, ना ही किसी फाइनेंसर का, ना ही शाहरुख खान का। और जो लाइन मुझे दिखा ना, उस लाइन को आप भी हमारे दर्शक भी जाके देखेगा, पता चल जाएगा इस फिल्म की क्या वास्तविकता। मैं कुछ नहीं जानना चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि देखिए शाहरुख खान, मैंने कहा कि शाहरुख खान हमारे जीजा जी हैं, इसका मतलब ये नहीं है जब आप उनको अपने घर में घुसा लेते हैं, जब आप मुद्दे से भटक जाते हैं, रोजगार से भटक जाते हैं, और एक आप रोजगार की बात नहीं करते, आप सीधे एक मूवी आती है, आपने भगवा रंग को टारगेट किया और बहुत लोगों को लगा कि शाहरुख खान को टारगेट हुआ। कहीं ना कहीं शाहरुख खान की मूवी थी और इसके वजह से 4 साल बाद वो मूवी आ रही थी, तो कहीं ना कहीं चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, क्योंकि हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो धर्म निरपेक्ष है और वो कलाकार है। अरे आप कलाकारों को घर में क्यों लाते हैं? आप उसको मनोरंजन का साधन बनाइए, देखिए, नहीं देखना है बंद कर दीजिए, उसकी बात मत कीजिए। जब आप उसकी बात नहीं करेंगे पंकज जी और धीरज जी, तब वो जो पिक्चर है मुंह खा के गिर जाएगा। बिल्कुल, हम ही दोषी पाए जाते हैं कि कोई मूवी आई, हमने उसका विरोध करना शुरू किया, कुछ लोग चंद व्यू के लिए। ये पिक्चर मैं बताऊं, अगर आप मेरी बात सुने तो ये पिक्चर बुरी तरीके से फ्लॉप करती, लेकिन कुछ लोग आए व्यू और सब्सक्राइब पाने के चक्कर में उन्होंने भगवा रंग को चुना, क्योंकि बिकनी भगवा रंग की थी और भगवा रंग को चुना और कहा कि नाक कटा लेंगे, मुंह कटा लेंगे, मुंह में तकालिक थोप देना, और ये जो है तुर 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 वाला, और क्या हुआ बाद में, अपने मुंह पे थूक फेंकवा गया। तो ये कुछ हिंदू थे जो व्यू के चक्कर में, सब्सक्राइब करके चक्कर में कि लोग उनको जाने। मुझे लगता आप मेरी बात सुनिए, लोग उनको जाने, शाहरुख खान को हम एक ईटा मार देंगे, लोग हमको देखने लगेंगे, सब्सक्राइबर हो हमें बढ़ जाएगा, ये सच्चाई है। पर जो सच में सनातनी है उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है कि किसकी मूवी आई किसकी मूवी गई। मैंने अभी तक वो मूवी नहीं देखी जी, और कहीं ना कहीं मुझे लगा, इच्छा होता है कि भाई मैं देखूंगी आखिर में ऐसा क्या था उस बिकनी में। बिकनी तो शाहरुख खान के बजाय, मैं बता दूं, बिकनी जो थी आज से नहीं, तो आज से 10 साल पुराना, 20 साल पुराना भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए। आप एक में अक्षय कुमार की एक मूवी थी, अक्षय कुमार की मूवी थी और उसमें राम लिखा हुआ था, सॉरी भूल भुलैया और उसमें उसने बैग
जो थी ना वो उसमें उसने जो कपड़े पहने थे उसमें सॉर्ट कपड़े पहने थे, उसमें राम नाम लिखा हुआ था और उसने वहां राम के नाम का अपमान किया। आप उस समय आवाज नहीं उठाते हैं। दूसरी बात, जब आप आमिर खान की मूवी देखते हैं मुंह में अलवा ठूस जाता है, वो तो दोगला है, उसका तो 14 को शादी कर ले 50 को शादी कर ले उसको कोई कुचने वाला नहीं है, उमरियो जाएगा तो कोई देखने वाला नहीं, लेकिन उसकी मूवी देखने के लिए परफेक्ट है आप मिस्टर परफेक्ट। हाँ, और आप उसको उस मूवी को देख लिए, भगवान का अपमान करते भी देख लिए, अब महसूस भी कर लिए और ताली भी बजाए हॉल में। लेकिन जब शाहरुख खान की मूवी आती है, आपने शायद नहीं देखा होगा, आप कहते हैं कि शाहरुख खान, चलिए आपके नजर में शाहरुख खान खराब हो सकता है, यही मैं बात कहती हूँ, ये धर्म निरपेक्ष देश है, 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती है। शाहरुख खान को दक्षा जी मैं भी पसंद करती हूँ, कहीं ना कहीं पसंद का मतलब ये नहीं कि मैं उसको घर में ले आऊं, खाना खिलाऊं, अपने बेड में जगह दे दूं, कहीं ना कहीं वो बाप दाखिल है, भाई दाखिल है और जीजा जी दाखिल है, चूंकि हमें आए मैं बताती हूँ, अगर आप उसको घर में लाए, आपके लिए नहीं मेरे लिए, आप उसके घर, आप उसको घर में अगर लाते हैं, जो जो हिंदू, जो जो मैं उस हिंदू के सनातनी हिंदू का मुंह पे तमाचा मारूं कि जो जो हिंदू जो ये कहता है, सुनिए तो, जो ये कहता है कि हम शाहरुख खान की मूवी को फ्लॉप कर देंगे, उसके मुंह पे तमाचा पड़ा, उसके मुंह पे इसलिए तमाचा पड़ा कि वो सब्सक्राइबर चंद व्यू के कारण उसने उस हमारे हिंदुत्व का पर लात मारी। अरे आपको आपको बहिष्कार ही करना चाहिए था तो सोल्जर पर बहिष्कार करते, उस मूवी में सोल्जर का अपमान हुआ है उस पर बहिष्कार करते, आपने हिंदू, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट होता है सभी के लिए, सिर्फ अपना आटा सेकने के लिए, क्योंकि हम शाहरुख खान के दरवाजे पर जाएंगे, कुत्ते की तरह भोंकेंगे और इससे मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, लोग मुझे जानेंगे दक्षा जी, जी मैम, और तब तो मेरा नाम शाहरुख खान से जोड़ा जाएगा कि हमने शाहरुख खान को गाली दिया। कौन आगे आता है, हमारे हिंदू में यही दोषी है जी। आप अगर नहीं देखते तो शायद ये जो फिल्म थी ये मुंह खा के गिरती, मैं लिख के मैं ये सहमत हूं। आप इस बात से सहमत हैं? मैं केवल इस बात से सहमत हूँ कि ये डी कंपनी और हिंदुओं की कमी के कारण एक जमाना था स्वतंत्रता के बाद कि जब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एक्टर आया करते थे तो अपने डर से अपने नाम को छुपाते थे और हिंदू नाम रखते थे। आज वो जमाना आ गया है हिंदुत्व के गड़बड़ी के कारण कि आज वो अपने नाम का परचम आगे लहरा रहे जी। जो समाज का आईना है, मीडिया चौथा स्तंभ है, आज ये हसल है हमारे बिहार में जो भोजपुरी लैंग्वेज आती है, गंदे गंदे गाने जो आपको दिखती है उस पे हम बात नहीं करते हैं, तो और बात भी करते हैं तो मैं बता देती हूँ कि बात भी करते हैं तो क्या होता है कि यूट्यूबर जो आजकल पत्रकार बन के घूमे हुए हैं दक्षा जी, वो उनको अब शब्दों से नवाजते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे बिहार बदनाम होता है। एक मिनट, भोजपुरी जो है सच में अश्लीलता के भंवर में डूबा हुआ है, आगे कहां बढ़ पा रहा है, आगे कहां बढ़ पा रहा है। और आप जो कह रहे हैं कि शाहरुख खान का कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, तो एक ही धर्म के अपमान कीजिएगा जी, मैं बता देती हूँ, नहीं मैं आपके अच्छा नहीं नहीं हम पूछते हैं, हिंदुओं के खाली अपमान कीजिएगा, मुसलमान का नहीं करते हैं, कब हिम्मत मुसलमान हिंदी की बात हम तो आपको कह ही रहे, एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए, हम तो कह ही रहे कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता ना जात होता है। आप देखेंगे कि मान्यता दत्त मुस्लिम थी, संजय दत्त हिंदू, आप ये देखेंगे कि नरगिस मुसलमान थी, सुनील दत्त हिंदू, शाहरुख खान मुस्लिम है, गौरी हिंदू, सुजैन मुस्लिम है, एक मिनट, गौरी थी गौरी गई, अरे भाई आपको चोट क्यों लगता है, जब आप कलाकार की बात करते तो मैं आपको गिनती करा रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ ना दक्षा जी कि सुजैन मुस्लिम, ऋतिक रोशन हिंदू, संजय दत्त हिंदू, और उसकी वाइफ मान्यता दत्त मुस्लिम, दिया मिर्जा क्या है आप देख लीजिए, तो वहां पे कलाकारों के साथ हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू शादी करते हैं, तो हम उसको घर में ना लाए, वो हमारे घर का कोर है, वो हमारे घर का एक बहुत बड़ा
समाज के मुंह पे एक तमाचा है, लेकिन फिर भी हम उसको इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। और जब उसकी कोई पिक्चर आती है तो अपना नाम कमाने के लिए जो यूट्यूबर है वो जाते हैं, पत्थर मारते हैं ताकि उसको लोग व्यू दे, सब्सक्राइब करें। अरे हम तो साला बर्बाद कर देंगे उस पिक्चर को, खाली मुंह से फूके बर्बाद कर देंगे। अब कुछ नहीं किया, क्या हुआ, अपने मुंह पे तमाचा मार लिया, थूक दिया। शाहरुख खान का वो भी देखा और मुंह पे थूका गया, जो हिंदू लोग कह रहे थे और उसके मुंह पे आज थूक फेंका गया कि नहीं फेंका गया। हम भी तो हिंदू है, कहीं ना कहीं तो हमको भी ये बात स्वीकार करना चाहिए। 750 करोड़ और स्वीकार मैं करती हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज का विरोध करेंगे तो लोग जोर शोर से देखेंगे। ठीक है, अब इस चर्चा का अंत यहीं पे करते हैं क्योंकि काफी देखिए, ओवरऑल मैं बता दूं कि शाहरुख खान इज द बेस्ट जी। उन्होंने साबित किया कि 57 साल की उम्र में आप खूब भर भर के गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सही में आप हिंदू हैं तो मौन व्रत रखिए। और वो पिक्चर आप गाली दीजिए बेशक, आपकी भी बहन है घर में, गाली देने से पहले सोचिए। इसीलिए तो कोई हिंदू से भाग जाता है, कोई मुसलमान से भाग जाता है। अभी कश्मीर की लड़की मुस्लिम थी, वो बेगूसराय आ गई। यही प्यार मोहब्बत का चक्कर पिक्चर देखने का नतीजा है, जो मुस्लिम लड़की भी बेगूसराय में आके हिंदू लड़का से शादी कर लेती है। इसमें बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, उस पर कोई लव जिहाद का बात क्यों नहीं करता। बस मैं इतना ही कहूंगी कि कलाकार को कलाकार ही रहने दीजिए, अपने घर में नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए। इसलिए कीजिए कि हम लोग आपकी मूवी देखते हैं तो कम से कम वहां रंग को दूर कर दीजिए और इस तरीके से कपड़ा ना पहने। और मैं अपने दर्शकों के लिए बस छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ, आपके रियल हीरो भारत के सैनिक है, ना कि शाहरुख खान। वो स्टंट जो देता है वो स्टंट सिर्फ मूवी के लिए होता है, लेकिन रियल हीरो कितनी बेइज्जती हो गई। पिक्चर सुपर हिट, अरे हिट हो जाए, के कहा पंकज की कमाई हो गई है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। कल फिर एक नया मुद्दे की बात में हम आपके लिए लेकर आएंगे देशवा न्यूज में। फिलहाल के लिए इतना ही, सभी गेस्ट को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भर भर के प्यार करे, गाली भी दे। धन्यवाद धन्यवाद।